किंगडम प्लांट ही को हम पढ़े थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। डिवीजन ब्रायोफाइटा, हमने किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन की जब हम बात की थी, तो हमने कहा था कि हम प्लांटी को टू मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास था ब्रायोफाइटा और दूसरा ग्रुप था हमारे पास ट्रैक्योफाइटा। ब्रायोफाइटा की फिर मजीद हमने क्लासिफिकेशन की थी, आज हम ग्रुप ब्रायोफाइटा को देखेंगे, डिवीजन ब्रायोफाइटा को, और हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये वो फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर आए, यानी कि दे वर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज ऑन लैंड। ठीक है, फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज ऑन लैंड, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ही मतलब है कि ये वो पहले प्लांट्स हैं, या ये वो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स के अंदर जो कि लैंड के ऊपर रहना शुरू हुए। इससे पहले जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं एल्जी से। ठीक है, तो अब ग्रीन एल्जी को हमने पढ़ा था कि वो डैम्प और मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर होती है, तो इसी तरह ब्रायोफाइटा भी जो हैं ये डैम्प और मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, और ये वो पहले प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर सर्वाइव किया जिन्होंने। इसके बाद हम जब इसके लैंड एडाप्टेशन की बात करते हैं, लैंड एडाप्टेशन, तो हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर पुअरली एडाप्टेड टू लैंड, ये लैंड के ऊपर क्योंकि इतने अच्छे एडाप्टेड नहीं हैं। इस यही वजह है कि ये डैम्प एरियाज़ के अंदर पाए जाएंगे, या शेडी एरियाज़ के अंदर जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा, ये वहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, जब हम प्लांट बॉडी को देखें इनके, प्लांट बॉडी को जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, तो हमें ये तो वैसे ही क्लियर है कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल नहीं होगा, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ठीक है, यानी वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिंपल प्लांट्स होंगे। अब जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो इसका क्या फिर इसके इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है या ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है वो किस तरह से होगी? उसके लिए इनके अंदर एक सिस्टम है जो कि है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऐसे आपने केमिस्ट्री के अंदर भी ये प्रोसेस पढ़ा होगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो फिनोमिना, इनको आप जानते भी होंगे, इनको आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। इनके अंदर होता क्या है कि आपके एक सेल से दूसरे सेल के अंदर वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सोल्यूट कंसेंट्रेशन। सोल्यूट किस तरफ ज़्यादा है और किस तरफ कम है, इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर वाटर और फूड जो है वो ट्रैवल करती है। इसके अलावा प्लांट बॉडी के अंदर हमारे पास जो प्रोमिनेंट एक स्ट्रक्चर से हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि थिन क्यूटिकल है, वो इनके बॉडी के अंदर पाया जाता है। जो प्लांट की पूरी सरफेस है वो इस तरह की है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को। प्लांट सरफेस एब्जॉर्ब वाटर, और इन प्लांट्स को हम, जहाँ जो ब्रायोफाइट्स हैं ओवरऑल, इनको हम कहते हैं दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियंस कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? किंगडम एनिमेलिया जब आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक आपके पास ग्रुप आता है एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की या मॉइस्ट एरियाज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक हम इसका देख लेते हैं, फ्रूटलेस। अच्छा, फ्रूटलेस का क्या मतलब है? फ्रूटलेस का ये मतलब है, जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, कि इनके अंदर फ्रूट नहीं होता। ठीक है, इनके जो बॉडी है इसके अंदर फ्रूट नहीं होगा, दे आर फ्रूटलेस ऑर्गेनिजम्स, और नॉन वेस्कुलर है, लाइक, और इस वजह से फ्रूटलेस नहीं है, इसका मतलब है कि इनके अंदर फ्लावर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं दे आर नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स। ठीक है, एक और जो इनका इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन,
अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ऑल्टरनेशन जनरेशन पे हम एक अलग से लेक्चर भी ले लेंगे। ऑल्टरनेशन जनरेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो जनरेशन को समझें। जनरेशन का ये मतलब है कि एक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर वो कौन सी दो चीज़ें हैं या वो कौन सी दो जनरेशन हैं वो पाई जाती हैं। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, हमारे पास दो जनरेशन है, एक को हम कहते हैं गेमेटोफाइट और एक है हमारे पास स्पोरोफाइट। ठीक है, ये दो जनरेशन्स हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर ये दो फॉर्म्स हैं या ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो के पाए जाते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा का पूरा ब्रायोफाइट प्लांट है। इसके अंदर ये जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो, इसको हम कहते हैं ये स्पोरोफाइट है, और जो नीचे का एरिया है राइजोइड्स और ये वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करने के लिए कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट बेसिकली क्या चीज़ें हैं। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम ये कहते हैं कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो उससे हमारे पास स्पोरोफाइट बनता है, और जो स्पोरोफाइट है उससे फिर हमारे पास गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है, तो इट इज़ सच अ फिनोमिना इन विच स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमेटोफाइट एंड गेमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। ये हमारे पास आ गया स्पोरोफाइट और ये है हमारे पास गेमेटोफाइट। ठीक है, और इन दोनों से ये एक रेगुलर साइकिल है जो कि चलता जाता है। स्पोरोफाइट हमारे पास गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बता रही हूँ। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है कि हमारे पास जो गेमेटोफाइट है, एक मिनट कलर से हम देख लेते हैं, जो गेमेटोफाइट है उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि एक तो गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है और इंडिपेंडेंट है, और ये स्पोरोफाइट बनाते हैं, यानी इट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। ठीक है, और जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट में ये होता है कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। इसका मतलब है कि जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है या फ्री लिविंग नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फुट, सीटा और कैप्सूल, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर अगर हम देख लें, हम ऑल्टरनेशन जनरेशन पढ़ ही रहे हैं, तो अगर हम इसको जेनेटिकली देख लें तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पीछे चले जाते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब हमारे पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसका क्या मतलब है, ये हैप्लॉयड है। ठीक है, जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है कि ये डिप्लॉयड है। ठीक है, एन और टू एन का क्या मतलब है, जिन लोगों को ये नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल लें तो हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ओवरऑल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम
सेट की बात करें, क्रोमोसोम सेट की, तो जब हम एन की बात करते हैं तो वो एन जो है वो ह्यूमन बींग्स केस में 23 है, ठीक है। तो नॉर्मली एन 23, तो जब हम 2N कहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। और माइटोसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है, ये हमारे पास डिवीजन होती हैं। अगर आपको याद हो अपने ग्रेड 10 के अंदर या ग्रेड 9 के अंदर ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी। एक प्रोसेस है हमारे पास माइटोसिस और एक है हमारे पास मियोसिस, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमिटोफाइट एंड गेमिटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास लेट्स से स्पोरोफाइट है, ठीक है, और हमने कहा कि इसके अंदर 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एन नहीं, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब स्पोरोफाइट से क्या होता है, हमारे पास बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब जब स्पोर्स बनते हैं, ये जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनने का, ये होता है मियोसिस, और मियोसिस के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो स्पोर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं, इनसे हमारे पास एक गेमिटोफाइट जनरेशन बनती है या न्यू गेमिटोफाइट बनता है, ठीक है। अब गेमिटोफाइट में हमने कहा, अब ये स्पोर्स है ना, इनके अंदर कोई खास और प्रोसेस तो नहीं हुआ, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। अब गेमिटोफाइट के अंदर क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास बनते हैं गेमीट्स, ठीक है। गेमिटोफाइट्स के अंदर जब गेमीट्स बने हैं तो गेमीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है, यानी कि एन, ठीक है। अब गेमीट्स हमारे पास डिफरेंट तरह के, एक हमारे पास मेल गेमीट्स होंगे और एक हमारे पास फीमेल गेमीट्स होंगे, गेमीट्स और मेल गेमीट्स। अब मेल और फीमेल गेमीट्स के कंबाइन होने से हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसे हम कहेंगे 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ स्पोरोफाइट। इसको हम डायरेक्टली स्पोरोफाइट नहीं कह देते, बेसिकली होता ये है कि ये जो दो गेमिट्स हैं ये कंबाइन करते हैं, यानी कि एक हमारे पास एग होता है और दूसरी साइड पे हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जायगोट बनता है। पूरा प्रोसेस जैसे कि हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं ना, पहले हमारे पास बनता है जायगोट, फिर उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस केस में क्या होगा, वो स्पोरोफाइट होगा। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास क्या हुआ, पहले स्पोरोफाइट था, उसके बाद गेमेटोफाइट, और पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये इसी तरह से चलता रहता है। अच्छा, अब ये ब्रायोफाइट्स को हमने देख लिया, एक दफ़ा हम शुरू से इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। हमने ब्रायोफाइट आके पढ़ा, फिर हमने प्लांट बॉडी को देखा, हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा, लेकिन अभी तक आई थिंक क्लियर नहीं हो पाया कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से प्लांट्स हैं। मतलब हमने तो ऐसे कोई प्लांट्स नहीं देखा जिनके अंदर वेसल्स ना हो, और वो अब वो किस किस्म के प्लांट्स हैं, देखने में कैसे होते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको कुछ इमेजेस मैं ऐसे दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ब्रायोफाइट्स की जो हम बात करें ये कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं। अच्छा, कभी आपने गौर किया कि अगर आप किसी बहुत ही मॉइस्ट जगह पे चले जाओ, कहीं फॉरेस्ट में, डीप डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे शेडी एरियाज हो, ठीक है, वहाँ पे आपको, अब जैसे ये एक मेरे पास पिक्चर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आप देख सकते हैं इस प्लांट के, ये जो एक बेसिकली लकड़ी है, लकड़ी के जो पूरा का पूरा ट्री है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन 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 ये जो ऑर्गेनिज्म है या पौधा है, हम देखने में तो हमें लगता है कि कुछ एलजी टाइप कुछ है, लेकिन अगर आप इसको टच करके, इसको हाथ में उठा के देखेंगे तो आपको एक छोटा सा प्लांट नज़र आएगा, बहुत छोटा सा प्लांट बॉडी, यानी कि आपको स्टेम टाइप छोटे छोटे लीफ लीफ बने हुए स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, और ये जो है वो, इनको हम कहते हैं दे आर ब्रायोफाइट्स, ठीक है, यानी कि प्लांट का एक छोटा वर्जन आप कह लें ब्रायोफाइट्स होते हैं। अच्छा, ये एक और मेरे पास पिक्चर है, ये आप कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, इसके अंदर जनरली आप जस्ट इसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट को देख लीजिए, इनकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो नीचे का एरिया है या राइजॉइड्स का जो एरिया, इसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट, और जो ऊपर का एरिया जिसके अंदर हमारे पास सीटा और कैप्सूल आ जाता है, इसको हम कहते हैं ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के अंदर आप देखें, ये कैप्सूल एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेम लाइक एरिया है, इसको हम कहते हैं दिस इज सीटा।
और राइजोइड्स क्या है, राइजोइड जो है वो इस प्लांट को हेल्प करते हैं एंकर करने के लिए, एक ज़मीन के साथ हो सकता है, किसी ट्री के साथ, किसी भी चीज़ के ऊपर जब ये इसने एंकर होना होता है, इसके साथ लगना होता है, इस पर ग्रो करना होता है, तो ये राइजोइड्स इसकी हेल्प करते हैं। क्लियर पिक्चर आपको ये जैसे मैंने पहले भी दिखाई थी, इस तरह से हमारे पास ऊपर कैप्सूल है, स्टॉक है या सीटा का जो एरिया, और इसके अलावा हमारे पास नीचे राइजोइड या गेमेटोफाइट का एरिया है। डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है, हम इसको तीन मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। हम एक को कहते हैं मॉसेज, एक को कहते हैं लिवरवॉर्ट्स, एक को कहते हैं हॉर्नवॉर्ट्स। तो ये आपके पास एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लिवरवॉर्ट्स कैसे हैं, मॉसेज और हॉर्नवॉर्ट्स देखने में ये एक डायग्राम बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसको नेचुरली देखेंगे तो वो भी आपको एग्जैक्टली इसी तरह से नज़र आएगी। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टाइप्स को डिटेल के अंदर देखेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिजम्स किस तरह के हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, यहीं कंक्लूड करेंगे इसको। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी लैंड एडाप्टेशन, और फिर हम ब्रायोफाइट्स की जो मेजर थ्री ग्रुप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, उनको हम वन बाय वन देखते जाएंगे।